और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश उत्सव सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने का महत्व है। एक तरफ गोंड चित्रकारी से लगा करके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को भी रेखांकित किया, तो भीम बेटका की 10,000 साल पुरानी चित्रकला को भी सबके सामने ला करके मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत से परिचय कराने का भी प्रयास किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि श्री अन्न के पकवान खाकर तो आनंद आ जाएगा, मैंने भी टेस्ट किया। आइए मध्य प्रदेश में इसे सारे विविधता वाले चीजों के दर्शन भी करें, टेस्ट भी लें, और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश को जानने समझने का ये मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो मध्य प्रदेश उत्सव आयोजित किया गया है दिल्ली में। एक खास तौर से उत्सव है जब 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आयोजित है, जिसमें मध्य प्रदेश की समृद्ध कला, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसका भी जिक्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। देखिए मैं इसको इतना ही अपनी समृद्ध विरासत है उसको सबके सामने लाने का प्रयास होना चाहिए। उसी की कड़ी में ये मध्य प्रदेश उत्सव की शुरुआत है। कुल मिलाकर के भारत के आदिकाल से अलग पहचान है, ऐसे में मध्य प्रदेश तो मध्य में आता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों की थोड़ी छाप भी है और कुछ हटकर उसकी अपने अस्तित्व की पहचान भी है। इस सबको सामने लाने का प्रयास अनुकरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, एक सवाल और था कि कटनी से कल एक वीडियो सामने आया, किस तरह जीआरपी ऑफिसर और पुलिस ने। देखिए एक साल पुराना वीडियो था और एक साल पुराने वीडियो में भी जब 2 दिन पहले वो वीडियो आया है तो हम तो जैसे संज्ञान में आया, मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई अन्याय होता है, कानून के विरुद्ध जाके कोई अपने पद का दुरुपयोग करता तो सरकार कार्रवाई करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस कानून सम्मत व्यवस्था में सब अपनी मर्यादा में रहे। तो कानून संबंधी प्रक्रिया में सब अपनी मर्यादा में रहें, पद का दुरुपयोग कोई भी ना करे, इस तरह की हिदायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश उत्सव के नाम से, जिसमें 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश की जो समृद्ध कला है, पर्यटन है, सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसे किस तरह से पहुंचाया जा रहा है उसका जिक्र भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए दिखाई दिए हैं। तो अलग अलग अंचल, चाहे वो मालवा हो, विंध्य हो, महाकौशल हो या फिर बुंदेलखंड का वो इलाका ही क्यों ना हो, अलग अलग विशिष्ट जो व्यंजन है वो यहां पर भी परोसे जाएंगे।